नमस्कार, मैं प्रिया। आज जो 6 अगस्त, चले जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 64,500 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 से 2,701 नए मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 64,732 प्रभावित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 33, अरवल में 28, औरंगाबाद में 42, बांका में 20, बेगूसराय में 84, भागलपुर में 99, भोजपुर में 90, बक्सर 4, दरभंगा में 49, पूर्वी चंपारण में 103, गया में 76, गोपालगंज में 30, जमुई में 29, जहानाबाद में 85, कैमूर में 14, कटिहार में 196, खगड़िया में 23, किशनगंज में 37, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 35, मधुबनी में 90, मुंगेर में 64, मुजफ्फरपुर में 90, नालंदा में 76, नवादा में 21, पटना में 478, पूर्णिया में 65, रोहतास में 66, सहरसा में 35, समस्तीपुर में 72, सारण में 164, शेखपुरा में 38, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 44, सिवान में 48, सुपौल में 63, वैशाली में 104, पश्चिम चंपारण में 52। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 42,370 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 369 लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिन भूमि पूजन के दौरान राम भक्तों का उत्साह रहा देखने लायक। बीते दिन अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन का आयोजन करवाया गया, जहां समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में करवा दिया गया है। अयोध्या में दुकानदार, आम लोगों और सुरक्षा कर्मियों और यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी राम जन्मभूमि पर हो रहे अनुष्ठान का साक्षी बनने जगह मिली थी। हालांकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा लोगों को ही कार्यक्रम में आने की अनुमति दी गई थी। जैसे ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में आगमन की खबर मिली, उत्साहित लोगों ने शंख बजाकर और आसपास खड़े लोगों ने जय श्री का नारा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का स्वागत किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद लोगों का संबोधन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खोले हैं। हम सभी की भावनाओं को ध्यान रखना है। कोविड-19 के बाद अब बाढ़ के लिए एक्टिव मोड में आई नीतीश सरकार। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं अब बाढ़ प्रभावितों के लिए भी नीतीश सरकार की तरफ से मदद की पहल शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई निरीक्षण किया है, साथ ही दरभंगा पहुंचकर बाढ़ राहत शिविरों का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री ने दरभंगा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चलाए जा रहे राहत कैंप और सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया है और वहां अधिकारियों के कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही वहां मुहैया करवाए जाने वाली मदद की जानकारी भी ली है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच को मिली अनुमति। सुशांत सिंह राजपूत मामले की गुत्थी अब सीबीआई के हाथ सुलझाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दे दी गई है, जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साझा कर दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर राजीव नगर थाना में की गई सीबीआई जांच की सिफारिश मंगल को केंद्र सरकार को भेज दी गई थी। इससे पहले राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। गांधी सेतु के समानांतर पुल निर्माण के लिए 7 एजेंसियों ने दिखाई दिलचस्पी। बिहारवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड सहित देश के 7 एजेंसी ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसकी जानकारी सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, जिसके बाद इन एजेंसियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें 7 में किसी एक को गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल बनाने का जिम्मेदारी दिया जाएगा। गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले इस परियोजना की कुल लागत 2,926.42 करोड़ है, जिसका निर्माण कार्य अगले 3 साल 6 महीने में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार एसआई मेन्स की परीक्षा टली। बीपीएसएससी के बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा 2020 को कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है, जो कि 23 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली थी। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बिहार पुलिस जल्द ही करने वाली है। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों से बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर परीक्षा की नई तारीख समेत तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया के जरिए संगठन में 2,446 पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। बिहार पुलिस के आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ने वाली गुजारिश को बीएमसी ने नकारा। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को पकड़े जाने के बाद बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, जिसके बाद बीते दिन बिहार पुलिस की तरफ से आईपीएस विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटाइन से छोड़ने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद बीएमसी को इसके लिए एक पत्र जारी किया गया था। हालांकि बीएमसी की तरफ से इस पत्र को ठुकरा दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि बिहार पुलिस बीएमसी के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट तक जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें आशंका है कि हमारे एसपी के साथ कुछ भी कर सकती है।
बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए खेसारी लाल यादव। बिहार में आई बाढ़ की बड़ी समस्या में लोग प्रभावित हैं, जिसके बाद मदद के लिए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से सामने आए। खेसारी लाल यादव का खेसारी फाउंडेशन इन दिनों महाराजगंज विधानसभा के बड़का नगवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। फाउंडेशन के वर्कर हर बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव ने इस बारे में कहा है कि बिहार बाढ़ में हर साल परेशान रहता है, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम बाढ़ प्रभावितों की मदद करें। आखिर इन लोगों की वजह से ही हम हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रकाश झा की। हिंदी फिल्म जगत के फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा का जन्म 27 फरवरी 1952 को बिहार के चंपारण जिले के बेतिया में हुआ था। प्रकाश झा ने स्कूल शुरुआत अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल में की थी, लेकिन उन्होंने आगे की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बोकारो से पूरी की थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से बीएससी ऑनर्स किया था। वहीं मुंबई तो गए थे, उन्हें फिल्म की रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिला था। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि वो भी एक फिल्मकार बनेंगे। इसके लिए 1973 में वो बिहार एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने गए थे। झा ने 1975 में अपने करियर की शुरुआती डॉक्यूमेंट्री अंडर डब्ल्यू से की थी। इसके बाद उन्होंने 8 साल के लंबे अंतराल में कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया था। इस दौरान उन्होंने बिहार के ऊपर भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जिसमें रिलीज होने के बाद ही कुछ दिनों बाद उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन प्रकाश को शॉर्ट फिल्म की वजह से नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकाश झा ने अपने निर्देशन करियर में गंगाजल, राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह जैसे कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है। बिहार के 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। बिहार के 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब उन सभी शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही उनका चयन हो पाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन शिक्षकों का चयन हुआ है उनमें राजकीय मध्य विद्यालय संस्थान औरंगाबाद के प्रधान शिक्षक सुनील राम, मुंगेर के प्रचार अरविंद कुमार चौधरी, मधुबन बाजपट्टी सीतामढ़ी के प्रधान शिक्षक विजेंद्र कुमार, औरंगाबाद के प्रचार चंद्रशेखर प्रसाद साहू, बेगूसराय के प्रधान शिक्षक कुमार साहनी और सारण के प्रधान शिक्षक अखिलेश पाठक का नाम शामिल है। नालंदा की बेटी सपना कुमारी का यूपीएससी में आया 806 बार रैंक। नालंदा की बेटी सपना कुमारी ने यूपीएससी की परीक्षा में 806 बार रैंक हासिल कर नालंदा जिले का नाम रोशन किया है। सपना कुमारी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की तरफ काफी गंभीर थी। सपना कुमारी ने अपनी 10वीं की परीक्षा रांची के बिशप बेस्ट कोर्ट गर्ल्स स्कूल से दी थी। वहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से पूरी की थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली और अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में उत्तीर्ण होकर उन्होंने अपना सपना पूरा किया है। यह नालंदा की छात्रा के लिए एक मिसाल है। वहीं सपना की इस उपलब्धि से पूरा नालंदा जिला गौरवान्वित है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लालू यादव को किया गया शिफ्ट। रांची में लगातार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए, साथ ही रिम्स में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव के सेवादार कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा लालू को इलाज के लिए जिस पेइंग वार्ड में रखा गया था, उस वार्ड के नीचे के फ्लोर पर कोरोना संक्रमित पेशेंट के लिए कोविड वार्ड बनाया गया है। इसके चलते लालू प्रसाद यादव के संक्रमित होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बिहार के आईपीएस को क्वारंटाइन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुंबई पुलिस की फटकार। बिहार से पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरदस्ती मुंबई में क्वारंटाइन करवा दिया गया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि उसने बिहार पुलिस के ऑफिसर को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन किया। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह एक गलत संदेश दे रहा है। पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर गया था, अपनी तमाम चीजें पेशेवर तरीके से होनी चाहिए थी, साक्ष्यों को प्रोटेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में इस पूरे मामले में साक्ष्य नहीं मिटाने का निर्देश भी दिया है। राहुल गांधी ने आज बुलाई बिहार कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी पूरी तरीके से नजर आ रही है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी सक्षर सिंह गोहिल ने वरिष्ठ नेताओं को सभी जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार यानी कि आज वर्चुअल मीटिंग का आयोजन करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 10:30 बजे के लगभग राहुल गांधी मीटिंग शुरू करने वाले हैं। इस मीटिंग में बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक, कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ साथ प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जानकारों की माने तो इस बैठक में विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर साथ ही बिहार में कोविड-19 और बाढ़ पर चर्चा की जा सकती है। बिहार में बाढ़ की चपेट में 66 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, जिसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी की गई है। विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 16 जिले में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावितों की कुल संख्या 66 लाख के पार पहुंच गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सिवान, मधुबनी और मधेपुरा का नाम शामिल है। इन 16 जिलों के 121 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें कुल 1165 प्रभावित पंचायतों की संख्या है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कई जिलों में नाव डूबने की घटना पर जताया शोक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कई जिलों में नाव डूबने के मामले पर दुख जताया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया जिला अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी में इकनिया दियारा के पास नाव डूबने से, सहरसा जिला अंतर्गत कोसी नदी में चिरैया ओपी के निकट नाव डूबने और दरभंगा जिले के हायाघाट थाना अंतर्गत नाव डूबने के कारण जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी दुख एवं संवेदना व्यक्त की है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वालों के आश्रितों को अविलंब अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। बिहार में कोविड 19 जांच में फिर हुई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब सरकार ने जांच की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जांच किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में पहली बार 51,924 जांच करवाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1 अगस्त को राज्य में 28,624 सैंपल की जाँच की गई थी, वहीं 5 अगस्त को इसे बढ़ाकर 51,924 जाँच करवाई गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों को किया गया प्रतिनियुक्त। बिहार प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सामान्य चिकित्सा के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग आयोजित की गई है। सहयोग देने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर, अपर स्मारता स्तर, उप सचिव स्तर एवं मूल के पदाधिकारियों को 10 अगस्त से 18 अगस्त तक बिहारी तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किए जाने का फैसला सुनाया जा रहा है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ आ गया है। केंद्र ने इस मामले में सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उधर इस मामले में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। वहीं से पहले रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि एक गिफ्टेड टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे बीच से जा चुका है। वहीं बिहार पुलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिया को प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। बिहार पुलिस की टीम रिया से पूछताछ करने मुंबई गई है, लेकिन रिया फिलहाल सामने नहीं आई है, जिसके बाद अब ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने एक के बाद एक उन पर कई आरोप लगाए हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम दिए बगैर उनके खिलाफ खूब बयानबाजी की है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि जिस दिन आप जाति धर्म के ऊपर उठकर अपना वोट सामाजिक आर्थिक समानता और पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई और सिंचाई के नाम पर देना शुरू करेंगे, तब से आपके स्कूल कॉलेज भी चमकेंगे, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र भी चमकेंगे, खलिहान लहलाएंगे और जीवन खुशहाल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा आएंगे लेकर तीसरा विकल्प। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प लाने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर ध्वस्त हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार आम लोगों से कट गई है, 15 साल बनाम 15 साल से जनता उब चुकी है, इसलिए बिहार में अब तीसरा विकल्प की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीते दिन पूर्णिया पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों की समस्या को लेकर किए गए जनसंवाद के दौरान उक्त बातें कही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे के बयान पर रामकृपाल यादव ने की टिप्पणी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे अपना बयान देकर हर तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई लोग मेरा और ठाकरे परिवार का नाम जोड़ रहे हैं। यह विफलता से उपजी भद्दी राजनीति है, जिस पर पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि अब तो किसी ने आदित्य ठाकरे का नाम ही नहीं लिया। अब तक किसी ने सुशांत सिंह राजपूत और उनके मैनेजर दिशा सालानी वाली घटना में आदित्य ठाकरे का नाम तक नहीं लिया, फिर क्यों आदित्य ठाकरे सफाई दे रहे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की फैसला करने के बाद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद व्यक्त किया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पर बिहार के नेताओं ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की अनुमति मिलने के बाद बिहार के नेताओं ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के मामले में बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय में जांच में तेजी आएगी और सुशांत के परिवारजनों और उनके प्रशंसकों को न्याय मिलेगा। वहीं शिवानंद तिवारी ने कहा है कि दो राज्य में तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहीं जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की। वहीं कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने भी इसके जल्द से जल्द क्रियान्वित किए जाने की मांग की है। आईसीसी की तरफ से जारी किए गए वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कायम है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा का जलवा लगातार बरकरार है। आईसीसी की तरफ से जारी किए गए वनडे रैंकिंग में विराट कोहली पहले नंबर पर विराजमान है, तो वहीं रोहित शर्मा नंबर दो पर कायम है। वहीं टीम के जसप्रीत बुमराह सूची में गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कायम है। विराट कोहली के 871 रनों के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं रोहित शर्मा और पाकिस्तान के बाबर आजम 855 और 829 अंक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 719 अंक के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं सूची में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर है।
गूगल ने लॉन्च किया नियर बाई शेयर फीचर। गूगल ने हाल ही में नियर बाई शेयर फीचर को लॉन्च किया है। मिली जानकारी के अनुसार नियर बाई शेयर फीचर एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आखिरकार एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस फीचर की मदद से दो एंड्रॉइड स्मार्टफोन आपस में फाइल आसानी से शेयर कर सकते हैं। हालांकि यह फीचर केवल एंड्रॉइड 6 और उसके ऊपर के वर्जन में ही सपोर्ट करेगा। आपको बता दें यह फीचर एप्पल के एंड्रॉइड ऐप और फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म के जैसा ही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इंद्र प्रकाश कुमार, गौतम प्रियांशु चौधरी, मुकेश कुमार, रोशन तारा, अमृतेश कुमार, हरिकिशोर कुमार, दिव्यांशु कुमारी, कृष्णा कुमार, अमीशा सिंह, अमित कुमार, हेमंत हमेशा, अनिल कुमार, मुन्ना कुमार, पंकज कुमार, ललन कुमार, सुशील कुमार, उजाला चौधरी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की पहल कितनी मददगार साबित होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।